इस वीडियो में आप जानेंगे कि एंजल ब्रोकिंग के डीमैट अकाउंट में आप फंड को कैसे ऐड कर सकते हैं, मतलब आप मनी कैसे ऐड कर सकते हैं। एंजल ब्रोकिंग को अब एंजल वन के नाम से भी जाना जाता है। बिना सही इन्फॉर्मेशन के अगर आप एंजल वन में फंड ऐड करते हैं, मतलब मनी को ऐड करते हैं, तो हो सकता है कि आपसे गलती हो, जिससे आपको भारी नुकसान भी हो सकता है। अगर अभी तक आपके पास एंजल वन का डीमैट अकाउंट नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप बिल्कुल फ्री में एक रुपए भी दिए बिना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि पूरी वीडियो देखने के बाद ही आपको पूरा प्रोसेस समझ आ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको अपने एंजल वन या एंजल ब्रोकिंग के ऐप को ओपन करना है। इसको ओपन करने के लिए चाहे तो आप फिंगर का यूज़ कर सकते हैं या आप अपने पिन का यूज़ कर सकते हैं। इसमें लॉगिन करने के बाद आपके सामने नीचे यहाँ पर राइट हैंड पर यहाँ पे एक फंड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ऊपर जो फंड का ऑप्शन दे रहा है लेफ्ट हैंड पे, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे दिखा रहा है अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड, यहाँ पे अभी 0 रुपीज़ हैं। अभी आपके सामने मैं यहाँ पे 100 रुपीज़ इसमें ऐड करके आपको पूरा प्रैक्टिकल तरीका दिखाने वाला हूँ। अब यहाँ पे 100 रुपीज़ ऐड करने के लिए यहाँ पे देखिए नीचे आपको 2 ऑप्शन दिख रहे हैं, एक विड्रॉ का और एक आपको ऐड फंड का। अब आपको यहाँ पे फंड ऐड करना है, मतलब मनी इसमें ऐड करनी है, तो यहाँ पे आपको ऐड फंड पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद सबसे ऊपर यहाँ पे लिखा अमाउंट, यहाँ पे आप जितना भी पैसा इसमें ऐड करना चाहते हैं, जितना भी फंड आप ऐड करना चाहते हो, उस अमाउंट को यहाँ पे टाइप करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे अभी आपको सिर्फ और सिर्फ एक प्रैक्टिकल तरीका दिखाने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं अभी 100 रुपीज़ आपको ऐड करके दिखाता हूँ। तो मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया है 100 रुपीज़। उसके बाद यहाँ पे दिखा रहा है पे फ्रॉम, कौन से आपके बैंक अकाउंट से ये पैसा कट के इस डीमैट अकाउंट में ऐड होगा। तो यहाँ पे जैसे देखिए मेरा एक अकाउंट है पंजाब नेशनल बैंक में, जिसको मैंने इसमें ऐड कर रखा है, तो जो मेरा पैसा डिडक्ट होगा वो इस अकाउंट से डिडक्ट होगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेलेक्ट पेमेंट मेथड, यहाँ पे आप फोन पे से, गूगल पे से, UPI से और नेट बैंकिंग, इन 4 तरीकों से पैसा ऐड कर सकते हैं, इसमें फ़ंड आप ऐड कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पे आपको गूगल पे के थ्रू पैसा इसमें ऐड कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे गूगल पे पर क्लिक कर लिया है। गूगल पे पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरीके से प्रोसेसिंग होगी, और उसके बाद आपके सामने गूगल पे का जो अकाउंट है, जो ऐप है, वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको उसे साइन इन कर लेना है और इसके बाद आपको गूगल पे से ट्रांजैक्शन कर लेना है। देखिए मेरे अकाउंट से पैसा डिटेक्ट हो चुका है, और ये अब हम वापस से एंजल ब्रोकिंग या एंजल वन के डीमैट अकाउंट में आ चुके हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल, यहाँ पे ट्रांजैक्शन सक्सेसफुल हो चुका है। और देखिए यहाँ पे ऊपर मैसेज भी आ गया है बैंक की तरफ से कि आपका 100 रुपीज़ डेबिट कर लिया गया, और साथ में नीचे भी लिखा हुआ है 100 रुपीज़ सक्सेसफुली एडेड। अब आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद अब आपको यहाँ से वापस से बैक आ जाना है, और इसके बाद आपको यहाँ पे फंड पे दोबारा से क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पे जहाँ पे पहले 0 रुपीज़ दिखा रहा था, अब यहाँ पे दिखा रहा है अवेलेबल मार्जिन टू ट्रेड 100 रुपीज़। सो इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से डीमैट अकाउंट में पैसे ऐड कर सकते हैं, जो कि मैंने आपको प्रैक्टिकल तरीका दिखा दिया है। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप अपने एंजल वन के डीमैट अकाउंट से पैसा कैसे विड्रॉ कर सकते हैं। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।